अच्छा यार हम आए हैं चाइना बॉर्डर पे और चाइना वाले अंदर नहीं जाने दे रहे यार, ये क्या है यार, ये छोले का वाट डे, मतलब अंदर तो जाने दो ना, अपने घूमने दो, हमने तुम लोगों को ये सारा हुंजा दे दिया है, जहाँ मर्जी घूमते फिरते हो, हमें भी जाने दो। तीसरा पता नहीं चौथा पता नहीं कितने दिन हो गए यार आए हुए, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए आए हुए और घर की भी याद आना शुरू हो गई है। खैर आज हम निकल रहे हैं खुंजराब पास की तरफ, और खुंजराब पास जाने के लिए ना हम लोग सुबह से उठ के तैयारियां कर रहे हैं, 6 बजे से उठ के 7:30 हो गए हैं। अच्छा करीब करीब सबके फोन खराब हो गए हैं और उसकी वजह पता क्या है, कम पानी पीना, और सफ़र के दौरान आप ज़्यादा पानी पी नहीं सकते क्योंकि फिर मिशन शी बार बार कम्प्लीट करना पड़ता है, इसलिए कम पानी पीते हैं। और फोन सब के ख़राब हो गए, मेरे भी हो गए हैं, अभी पता नहीं रेड नज़र आ रहे हैं या नहीं। अच्छा आज दूसरा या तीसरा दिन है, मुझे याद नहीं आ रहे अभी दिन, मैं भूल गया हूँ। और आज भी नाश्ता इधर ही है क्योंकि पहले दिन इसने हमको जो है ना खुश कर दिया था बिरयानी में, तो 3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन या जितने भी हो गए हैं, 4 दिन लगा लो, तो इधर ही चढ़ा है, आज भी लगता है कुछ मज़े का ही है। अच्छा यार खाना खा ले, अभी निकलने लगे हैं खुंजराव की तरफ। तो मैं पहले लास्ट टाइम जब गया था तो हम जा नहीं सके थे क्योंकि लेट हो गए थे, 2 बजे बंद हो जाता है, आज देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमीं, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसीन। जी 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 यही है चाइना, आगे चाइना है, चाइना है बस है। ये भाई चाइना, आप चाइना से है ना? मैंने वो इधर गया। दरिया पहाड़ और नदियां झरने हरी ये खेतियां और ग्लेशियर गहरी ये झीले वादियां, उड़ी बर्फ की चादरें हैं चोटी पूरी बर्फ की चादरें हैं चोटियां भी दिल नशी है, चोटियां भी दिल नशी है, चोटियां भी दिल नशी। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर क्या, जमीन हिलती है मेरी तो, सही बात है, नशे की वजह से। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब मेरी सांस फूल रही है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। आप कुछ ना करें, आराम आराम से चलें यहाँ पे, वल्ला इतनी सांस फूल रही है ना, होंठ सूख गए हैं, नाक सूख गया है, और बिल्कुल आराम आराम से चलें, कुछ नहीं होगा, जितनी ज़्यादा हाइट पे हैं उतने आराम से चलेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और जगह बड़ी खूबसूरत है वाकई, हम वो चाइना का बॉर्डर का वो एक थंब जो लगा हुआ है ना वो नहीं देखने आए, हम देखने आए हैं पाकिस्तान की खूबसूरती जो ये है, और वो सारी रास्ते में नज़र आती है कि कितनी खूबसूरती है। हाँ बस ठंड बहुत है इधर आके, कसम से। अच्छा वैसे मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता है, पर आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम है, पता है आपको, देख लें मैंने बता दिया। एक तो इधर पे सांस कम है, ऊपर ठंड है, और ऊपर से जब आप भागना शुरू कर देते हैं तो कई बार नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। मैं अभी चढ़ रहा हूँ फिर भी मेरी सांस पूरी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। टेबल पे से चलो तुम, अलग हो जाओ, ये बर्फ है, टेबल फ्रॉम कैसे, वो ले रहे हैं पीछे वाले, हमारी भी ले ले यार, ऐसे ऐसे रख ना, ऐसे रख, स्पेस क्यों फिल कर रहे हैं यार, मैंने वो लेना है, तुझे नहीं लेना यार। नेक्स्ट पोज, नेक्स्ट पोज, बनाते जाओ बनाते जाओ, बीमार ना हुसैनी ब्रिज काफी दूर है, ये कहाँ पे, और ये कांटे भी देखे हैं आप लोग, पहले गए हो, मैंने देखा है वीडियोस में, आजा ये देख, बहुत शोर, पत्थर गिरता नहीं है ना, हाँ शोर नहीं गिरता, आजा ये कांटे कितने, ये कांटे कुछ नहीं कहने वाला तुझे, हाँ कुछ नहीं कहते वो, कहते यार यहीं से क्रॉस कर, ये देख इस पे पांव रख, आगे जंप लगा, ये चिल, बस खत्म बात, इधर आजा। अच्छा जी ये मुशक्कत हो रही है हुसैनी ब्रिज की तरफ जाने के लिए, रास्ता कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ, वो मेरे शूज में कांटे घुस गए हैं, ब्रिज मैंने क्रॉस कराया।
ब्रिज तो मैं अभी मेन आ रहा है हां ब्रिज मैं क्रॉस करने वाला हूं अंश कह रहा है कि मैंने ब्रिज क्रॉस करना है और तुमने मेरे ड्रोन शॉट्स लेने हैं पर 99% चांसेस हैं ये नहीं कर पाएगा ये किसी गांव में से रास्ता घूम गया था हम गलत रास्ते आए हैं आगे जाना तुझे पता लगता है इशू है कि नहीं यार पैसे हैं खुले किसी के पास क्यों क्या हुआ 500 क्या करना है टिकट करना है ठीक है कुछ सबको चांस दो आओ यार ना ना विश ना रहा मैं विश नहीं रखता बहुत डरता है ये तो डर लगता है ज्यादा दूर ना जाओ असल में ना वो लेके आता मजा नहीं वो मसला नहीं वो मसला नहीं वो मैं लेके आऊंगा वो इशू नहीं है अगर डर लगता है ना तो उसके मुताबिक कह रहा हूं आकाश वापस आ जा पीछे मुड़ आकाश आओ मोटिवेशनल लाइन लिखी आओ तुरंत ना लिखा वापस आके लिखी मैं आऊं यार अगर ये लड़की जाएगी ना ब्रिज पे फिर मैं जाऊंगा मैंने उसको धक्का दिया जाओ आप जाओ नहीं जाना मैंने तो नहीं जाना यार वो ना अम्मी ने मना किया था ऐसे गंदे गंदे ब्रिज पे नहीं जाना कसम से अम्मी ने कहा था नहीं मैं मुझे ना डर नहीं लगता है ऊंचाई ऊंचाई ना लेकिन अम्मी ने कहा था नहीं जाना तुम इसे नहीं जा रहा ठीक है मुझे तो तू नहीं जा रहा तुम्हें किसने कहा मुझे वो भी अम्मी ने कहा भाई मुझे मेरे हालात ने कहा मैं उधर जाता हूँ चक्कर आते हैं भाई अली भाई आप भी नहीं चला जाते सब फड़े जाएंगे सब सब मन के तस्वीरें गम रह गए हैं खोए खोए से हम रह गए हैं बांट ली सबने आपस में खुशियाँ मेरे हिस्से में गम रह गए हैं इश्क मुजस्सम ऐ इश्क मुजस्सम ऐ इश्क मुजस्सम उनके नजदीक गमें तर के वफा कुछ भी नहीं निकलो सारे जब जाएंगे ना खुद ही डर जाएंगे अच्छा जी आज हमारा डे बड़ा बिजी था यार हमने बहुत जगहें घूमी और ज्यादातर वो थी जहाँ पर मैं पहले नहीं था गया लास्ट टाइम मैं खुंजराब नहीं था गया इस बार गया बहुत ठंड थी उधर उसके अलावा पशु तो जाते वक्त देखा था आज पशु पे मैंने वीडियो नहीं बनाई पशु कौन में क्योंकि वो मैंने बनाई है पहले और पिक्चर्स मैंने बड़ी सेक्सी सेक्सी ली हैं अंश भाई ने पिक्चर्स खींची हैं बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर और फोटोग्राफर भी हैं तो उसके अलावा हम गए हुसैनी ब्रिज बहुत टाइम वेस्ट हुआ हुसैनी ब्रिज पे भी कि हवा तेज़ थी मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा सका दोनों जगहों पर तो और मज़े की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये अंश भाई ने ना ब्रिज हुसैनी ब्रिज 50 बंदे हैं हमारे ग्रुप में उनमें से अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार क्रॉस किया है और स्पीड में वो भी और मैंने भी किया था 3-4 दफ़ा बस डर नहीं लगता ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डर लगता है उसके अलावा अभी हम आए हैं करीमाबाद बाज़ार 5 बजे से पहले करीमाबाद बाज़ार आइएगा अगर आप आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद बंद हो जाता है तो मुझे अभी हनी लेना है और ज़ाफ़रान मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान उसने मुझे ओरिजिनल हनी का है वो लेना है और एक दोस्त है मलेशिया में जिसने ज़ाफ़रान का है बिरयानी बनाते हैं ना पाकिस्तानी बिरयानी बड़ा मज़ा आता है उसमें वो तो वो ढूंढना है पता नहीं मिलता है नहीं अभी हम हमारे वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे हैं वो सुन रहे हैं एक ऐसे ही रैंडम से होटल में बैठ के तो देखते हैं मिलता है मुझे नहीं उम्मीद मिले दुकानें सारी बंद हो गई हैं